एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत ब्लॉगर। तो गाइस, ये एक और दिन है मेरा मायके में और ये है शाम का टाइम और यहाँ पे मेरी मम्मा काट रही हैं सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी बनेगी आज शाम को। और थोड़े से आना था आस पड़ोस से, सभी ताई वगैरह चाची वगैरह ने आना था और नूर अपने बाल बिखेर के ऐसे ही घूम रही थी इधर उधर। मैंने सोचा चलो, टाइम तो नहीं था बाल बनाने का, लेकिन मैंने बना दिए इसके। तो अभी ये मेरे बच्चे हैं ना, जो इनको कैमरे का ज़्यादा पता होता है तो ये अपने आप को कैमरे के हिसाब से सेट रखते हैं। और जैसे मैं इसको, मतलब इसका ध्यान सिर्फ कैमरे पे है। जैसे मैं इसका चोटी बना रही थी तो उधर से वो जवान आया। जवान कौन? मेरा बेटा। वो आया, उसने कैमरे को अपने हिसाब से सेट कर लिया। उसको तो बस मैंने आपको पहले भी बताया ना कि कैमरे को वो अपने हिसाब से रखता है, तभी रखता है जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। ऐसे ही नहीं करता हूँ, ब्लॉगिंग और वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ तभी वो कैमरे बीच में बोलता है, और जब कैमरा स्टार्ट कर दी तो बीच में आ जाता है अपना फेस दिखाने के लिए। और गाइस, चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मैं दिखाने वाली हूँ। और देखिए, इसने आते ही पहले कैमरे का मुंह अपनी तरफ मोड़ा और बस स्टार्ट कर दिया अपना, और गाने लगे हुए हैं ना पीछे, तो वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डांस कर रहा है। तो बस ये काम करके वो साइड पर हो गया। फिर से मैंने कैमरा घुमाया और साथ में मैं देख भी रही हूँ इसकी शरारतें। तो और सुनाइए बस, आप कैसे हैं सब? अच्छा, जो भी आउटफिट मैं डालूंगी शादी में, सारी ओकेशंस में, वो सभी मैं खुद ही तैयार करूंगी, खुद के भी और सबके भी। इसी उपलक्ष्य में मैं, इसी उद्देश्य को लेके मैं इस यहाँ पे पहले इतनी देर पहले आई हूँ, ताकि इनकी जो शॉपिंग वगैरह करवा सकूँ और जो इनकी स्टिचिंग का काम है वो निकाल सकूँ। क्योंकि बाहर जो स्टिचिंग का काम देना है ना, एक तो बहुत कॉस्टली है, दूसरा मतलब मनपसंद का काम नहीं होता। वरना तो सभी चाहते हैं कि बैठे बैठाए हमें, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जितने बच्चे मेरे परेशान करते हैं तो बैठे बैठाए मेरे को भी सब कुछ सिला सिलाया मिल जाए। और लेकिन बात ये होती है, पैसे खर्च करके भी हमें वो चीज़ प्रिपेयर नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं। ऐसा बहुत बारी होता है, बहुत बारी। मैंने तो जितनी बार भी बाहर अपना काम करने के लिए दिया है ना स्टिचिंग का, तो मेरे को मुँह की ही खानी पड़ी है। तो अभी थोड़ा हार्ड तो है काम, बच्चों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल में भी एट लास्ट जो हमें चीज़ बन के मिलती है वो बिल्कुल ही बढ़िया वाली मिलती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो ये अभी रात का टाइम चल रहा है, तो लाइटिंग थोड़ी ऐसी ही होती है रात को। रात को जितनी भी लाइटें जगाई हुई ना, लाइट पता नहीं क्या रात को ऐसे ही आती है। तो चलिए बस, उसके बाद आपको डायरेक्ट मिलूंगी मैं अगली सुबह। सुबह को हम जाएंगे मार्केट में और भी स्टिचिंग वगैरह का काम करेंगे, देखते हैं क्या कुछ हमारा कंप्लीट होगा क्या कुछ नहीं। और ये रात का ही टाइम है, जो सब्ज़ी मेरी मम्मा काट रही थी ना आलू बैंगन की, वो बन गई है। और मेरी बहन इतनी कंजूसी से बर्तन यूज़ करती है ना, उसने मेरे को कटोरी भी नहीं दी है क्योंकि उसको बर्तन कम मांझने पड़े। एनीवेज, जब मैं डालूंगी ना तो मैं 4-5 बर्तन लेके ही बैठूंगी, लेकिन अभी उसकी बारी है खाना देने की, तो वह ऐसे ही खाना सर्व करेगी। चलो ये तो हुई बात, चलो कोई बात नहीं। आगे ये सुबह का क्लिप है, सुबह हो गई है और मैं भी उठ गई हूँ, बच्चे मेरे से पहले उठ जाते हैं। आज के दिन हम जाएंगे थोड़ा सा मार्केट में, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो मेन शॉपिंग है ना वो आज ही करनी है, जो मतलब भाभी जो आएगी उनकी शॉपिंग और सबकी। और ये सुबह अभी मैं बस उठी हूँ, उठते ही मैंने जो कैमरा पकड़ लिया है, क्योंकि मैंने वादा किया हुआ आपसे कि आपको हर एक व्लॉग आपको बताऊँगी।
तो थोड़ा सा ठंडी का मौसम है, बारिश की वजह से थोड़ा सा वेदर बिल्कुल चेंज हो गया है। अदरवाइज़ मैं जो कपड़े लेके आई थी वो सब समर के अकॉर्डिंग लेके आई थी, बच्चों के भी अपने भी। तो बस मैंने नहा लिया, बस नहा के हो गई रेडी। ये जवान ट्राई कर रहे थे सैटी के ऊपर चढ़ने की, और अच्छी बात ये हुई कि इसने सैटी पर चढ़ना और बेड पे चढ़ना सीख लिया। अदरवाइज़ ये सिर्फ उतरना जानता था, उतरना भी नहीं जानता था इतना, चढ़ना और उतरना थोड़ा थोड़ा जानता था, लेकिन चढ़ना भी सीख गया अभी। और ये मैंने, मेरे एक ड्रेस है उसका ही ये प्लाजो है, ये देखिए इसकी कटिंग बहुत अच्छी हुई है, देखते हैं कैसे बनता है। और इसके साथ ही ये काट के रख दूँगी, उसके बाद मार्केट जाएंगे, आकर मैं सारी स्टिचिंग जो है करूँगी। और मार्केट में जाने के लिए अभी सभी तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं थोड़ी सी सिलाई निकाल लेती हूँ। और मेरे आगे ना कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि इनको ना फ्री का जो टेलर मिल गया है, बस इनको सोच सोच के बस याद आ रहा है कि हाँ ये भी सिलना है, ये भी सिलना है, ये भी सिलना है। तो चलो कोई बात नहीं, फ्री का टेलर इनको मिला है 10-12 दिन के लिए, देखते हैं क्या क्या फ्री के टेलर से ये सिलवाते हैं। तो बस गाइस, मिलूंगी आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से कोई आपका कुछ नहीं खर्च होने वाला है, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। My appetite, don't leave me here high and dry.